एवरीवन, वेलकम टू विद्या एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन। आज हम बात करेंगे कि जो हमारी ऑफलाइन कट ऑफ जाती थी सब्जेक्ट की और जो अब ऑनलाइन कट ऑफ जा रही है सब्जेक्ट वाइज, तो हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि अफजल सर हमारे साथ है। अफजल सर, इंग्लिश लिटरेचर में आपकी जो ऑफलाइन कट ऑफ थी वो थी 156 और ऑनलाइन जो थी वो 182, तो अभी आपको क्या लगता है कि कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी? ये ऑफलाइन में क्या हमारे पास जो अनसीन पैसेजेस आते हैं, हमारे पास 10 क्वेश्चंस होते हैं उसके, जो अप्रॉक्स 20 मार्क्स बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो क्वेश्चंस मार्क करने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो उससे क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑफलाइन होगा उससे जो कट ऑफ था पिछली बार से लास्ट टाइम से जो 2018 में हुआ था, तो हमें लगता है कि इससे कम ही जाएगा, इस बार कम जाने के चांसेस हैं, चांसेस है इस बार। ये तो है। और सर अगर बात करें तो जैसे कि अनसीन पैसेज वगैरह की, तो इस बार ऑफलाइन में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा कि हमें एक ही पेज में सारा पैसेज देखने को मिलेगा, तो ये बढ़िया है। हमारे अनसीन पैसेजेस तो हमारे सभी एग्जाम्स में होते हैं, सारे पेपर्स में होते हैं, और दो अनसीन पैसेज आते हैं तो फुल मार्क्स देते हैं सर, अगर प्रिपरेशन अच्छी हो तो। हमारी तो हमारा जो ऑफलाइन सब्जेक्ट्स में रहा है, जो कट ऑफ रहा है, तो कुछ ही में ऐसे इंक्रीज किया, जैसे इंग्लिश में आप देखें 156 रहा और वो इंक्रीज किया 182, लेकिन बाकी सब्जेक्ट देखें अगर हम कॉमर्स में देखें तो 162 से वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ 160 हुआ। तो इससे क्या होता है, बच्चों में ऑनलाइन मार्क करने के जो चांसेस होते हैं वो काफी उसमें उनकी प्रॉब्लम होती है उसको स्क्रॉल करने में, तो मार्क्स वेरी करते हैं हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड। सर अगर मैं पहले मतलब दिसंबर की बात करूं तो दिसंबर में जो कॉमर्स का पेपर तो काफी टफ आया था, जिसकी वजह से कट ऑफ कम गई थी 2023 की, अगर मैं बात करूं तो कम गई थी बल्कि। बिल्कुल, ये हम तो जनरल क्या बता रहे हैं, देन पॉलिटिकल साइंस में भी आप देखेंगे काफी डिक्रीज हुआ, 190 से हमारा कितना डिक्रीज करके 158 कर गया ऑनलाइन। तो इससे माना जा रहा है कि हमारे पास जो जनरली कैलकुलेशंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मैथमेटिकल और हिस्टोरिकल। तो अगर हम अपने हिस्टोरिकल कैलकुलेशन से देखें तो ऐसा पता चलता है कि हमारा जो आने वाला कट ऑफ रहेगा 2024 जून का, तो उससे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। इससे क्या पता चल सकता है हमारा, कितनी तैयारी हमें करनी चाहिए। और ऐसे अगर होम साइंस की बात की जाए तो होम साइंस का हमें सब्जेक्ट जो दिख रहा है वो इंक्रीज किया है 178, और मास कम्युनिकेशन जैसे जो आपका सब्जेक्ट है उसमें भी इंक्रीज किया 165 से 175 10 मार्क्स इंक्रीज किया है। हम इन बेस पर अपने कैलकुलेशन बेस पर कह सकते हैं कि आपको कितने किस टॉपिक में ज्यादा वर्क करना चाहिए। तो जो हमारे जो हम ऑनलाइन में नहीं कर सकते थे, जैसे हमारा जो अनसीन पैसेजेस हुआ जिसमें हमें क्वेश्चंस का आंसर जो है वो पैसेज में ढूंढना था, लेकिन अब ऑफलाइन में हम उसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं। पहले यूनिट वन से उतने क्वेश्चन नहीं बनते थे, लेकिन 2019-20 के बाद यूनिट वन से एटलीस्ट 25-28 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी कट ऑफ है, तो आप इसको देख सकते हो और अपनी तैयारी को उसी तरीके से कर सकते हो कि जो सब्जेक्ट वाइज, अब मैं ये नहीं कह सकती कि आपका कट ऑफ कम गया है तो आप कम मेहनत करो, आप सब्जेक्ट वाइज देख लो आपको कितना प्रिपरेशन करनी है, मॉक टेस्ट दो, कट ऑफ एक बार पूरा देख लो कि आपके सब्जेक्ट की कितनी गई है, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। बट ये है कि ऑफलाइन से हमें कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे वो टाइम टेकिंग हो गया सर, टाइम टेकिंग हो गया, अब हमें सर गोला बनाना पड़ेगा और इसमें देख रहे हैं करने के लिए। जी सर। तो अगर जनरल के हैं तो हमको थोड़ा सा और आगे बढ़ के मार्क करना होगा, पिछली बार अगर 91 गया तो हमको 95 क्वेश्चन लगभग सही करना है, तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं पेपर वन और पेपर टू से। जी। कि पेपर वन में अगर हमारा पेपर वन थोड़ा सा अगर लेस मार्क पा रहे हैं तो हम पेपर टू को ज्यादा फोकस करें, ताकि हम उससे अपना क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सके नंबर। और यहाँ पे सर पेपर वन की आपने बात की है, तो जैसा कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो ऐसे टॉपिक है जो हमें ज्यादा स्कोर दे सकते हैं, तो सर अगर मैथ्स की बात करें, बहुत से बच्चों का अगर मैथ्स वीक है, हाँ, तो सर कैसे मार्क्स बढ़ सकते हैं उनके, जैसे और कौन सा ऐसा तो प्रैक्टिस कर रहा है मैथ्स पार्ट अगर हमारा कमजोर है तो हम उसको ज्यादा टाइम दे के अपना बाकी पार्ट्स को ना खराब करें। अगर आपका मैथमेटिकल पार्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है तो आप लॉजिकल रीजनिंग पे ज्यादा टाइम दे, अपना आईसीटी पे ज्यादा टाइम दे, हो सके तो हायर एजुकेशन पे टाइम दे। ये सारे जो है वो फैक्चुअल है, हमें उसको याद करना, उसमें चेंजेस नहीं। तो अब फैक्चुअल बेस पे क्या है कि आप उसको याद कर लेंगे, आप उसको आप उसका एक नोट बना के अपने वॉल पे चिपका दें स्टिकी नोट्स के थ्रू, ताकि वो आप आते जाते उसको पढ़ते रहे तो याद होता रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से और भी हम लोगों से जानकारी लेते रहिए, विद्या एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के साथ जुड़े रहिए, जुड़िए और लाइक और कमेंट करिए।